अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केपीके एमडीगेट तुलबा के लिए केएमयू ने अपनी वेबसाइट पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से पहले एक प्री प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, ताकि तुलबा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि क्लोजिंग एग्रीगेट इस दफ़ा जो है क्लोजिंग मेरिट जो है वो कितना रहेगा, ताकि तुलबा जो है वो कुछ एक रफ सा गैस लगा सकें। तो प्री प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे एक जारी की है, तो आज हम उस प्री प्रोविजनल लिस्ट के बारे में बात करते हैं डिटेल से। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। इसमें चार कैटेगरीज़ की लिस्ट है: ओपन मेरिट, MBBS, सेल्फ फाइनेंस MBBS, इसी तरह जो BDS की भी है ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस। तो अब देख लेते हैं कि ये मेरिट लिस्ट जो है, पहले टॉप पे जो कैंडिडेट है उसका मेरिट कितना है, और 1021 चूँकि सीट्स हैं तो 1021 नंबर पे जो स्टूडेंट है उसका मेरिट कितना है। तो जैसे कि आपके सामने ये शो हो रहा है, जो टॉप पे स्टूडेंट है उसका जो एग्रीगेट है वो 96.55 है। तो इसका मतलब जो है, जो मेरिट लिस्ट जो है वो 96.55 से जो है इस दफ़ा मेरिट स्टार्ट होगा 2023-24 सेशन का। और ये जो लिस्ट है, एक तो आपने इसमें एक बात जहन पे रखनी है, ये जो मेरिट लिस्ट है ये उस डाटा की बुनियाद पर कंपाइल की गई है जो तुलबा ने खुद अप्लाई करते हुए लिखा था। अब इसमें गलती भी हो सकती है, हो सकता है किसी ने फेक डाटा भी डाल दिया हो, तो फिर अभी उसकी सिक्योरिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ने करनी है। और उसके बाद जो है वो हतमी प्रोविजनल लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी खुद जो जारी करेगी, वो हो सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें बदलाव भी आ जाए। तो बहरहाल ये जो एक लिस्ट जारी की गई है तुलबा की जानी से, जो डाटा फ्राहम किया गया था यूनिवर्सिटी को, वो आप देख सकते हैं 96.55 से जो है वो मेरिट स्टार्ट हो रहा है। इसमें तुलबा के MD कैट मार्क्स लिखे गए हैं, MD कैट के रोल नंबर, फिज़िक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, बायो के मार्क्स, FSC के कितने कितने मार्क्स सारे बताए गए हैं। डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, फादर नेम, नेम तुलबा का सारा जो है इसमें लिखा गया है। तो तमाम तुलबा जिन्होंने अप्लाई किया है, ये तमाम की लिस्ट लगी हुई है, और ये कहीं 212 पेजेस की लिस्ट है। इसमें जो 1021 पे स्टूडेंट है उसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो है 90.26212। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, अगर उसमें कोई तब्दीली ना हुई इस लिस्ट में, मतलब कोई जो नेम फादर नेम की अगर किसी की करेक्शन ना हुई, या इसके अलावा कोई और अगर कोई मतलब इस लिस्ट में चेंजिंग ना हुई, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो लगेगी उसका जो क्लोजिंग मेरिट होगा वो होगा 90.26212। ओपन मेरिट की लिस्ट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो सेल्फ फाइनेंस की मेरिट लिस्ट है, तो ये सेल्फ फाइनेंस की मेरिट लिस्ट आपके सामने है। ये सेल्फ फाइनेंस की जो मेरिट लिस्ट है, इसमें जो टॉप स्टूडेंट है उसका जो एग्रीगेट है वो 95.22273 है। तो ये जो लिस्ट है वो 95.22277 से स्टार्ट होगी। तो इसी तरह आप बाकी लिस्ट्स भी जो है BDS की, सेल्फ फाइनेंस, ओपन, वो खुद चेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।